समारंभा, सीताराम समारंभा, शंकराचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंतम, वंदे गुरु परंपराम। श्री नमः शिवाय। हरि ओम श्री हनुमते नमः। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन गोष्ठी से जुड़े हुए समस्त आदरणीय संत जन, भक्त जन, श्रोता जन, इस मंच के अद्भुत मंच संचालक विद्वत वर हमारे आदरणीय जाल सिंह पटेल जी, समस्त माताओं एवं देवियों, 1 मिनट भर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते पाप होत सब छारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर। आदरणीय सज्जनों, माताओं एवं देवियों, आइए अब अपने मन को श्री रामचरित मानस के श्री किष्किंधा कांड वैशिष्ट में ले चलते हैं। प्रारंभ का दिवस था इसलिए मात्र किष्किंधा कांड की भूमिका का थोड़ा सा वर्णन कल किया गया था। वैसे तो रामचरितमानस का प्रत्येक अक्षर वैशिष्ट ही है। आदरणीय पटेल जी ने आदेश किया कि कल लिखा था कि वैशिष्ट कुछ मुख्य मुख्य बिंदु है। आइए हम इस इन वैशिष्टों को की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, फिर थोड़ी सी अल्प भाव से श्री गुरु कृपा से, गंगा जी की कृपा से, संत कृपा से कुछ वाणी से वर्णन करेंगे। रामचरित मानस के किष्किंधा कांड में 30 दोहे हैं और साधारणतया हमारे सनातन पंचांग में 30 दिवस होते हैं। मास दिवस जो है वो 30 30 दिन का ही माना गया है। इसलिए वैशिष्ट ये है कि ये कांड जो है वो पूर्ण रूप से मास पारायण है। एक बात और वैशिष्ट की कह सकते हैं कि दोहे तो 30 हैं परंतु चातुर्मास इसमें प्रवचन है और स्वयं श्री ठाकुर जी जो ज्ञान स्वरूप है, परम ज्ञान स्वरूप है, उनके द्वारा जो लखनलाल जी को दिया गया है। चातुर्मास की परंपरा अषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तक एक जगह ठहरना रहना उनका तपस्वी जीवन है, तो 4 महीने का यह सत्संग है और 4 महीने होना चाहिए सत्संग। उतना ही भाग क्योंकि वो केवल सूत्र है, फार्मूला है, थ्योरी बहुत बड़ी है, इसलिए मास पारायण अब 30 दिन का होता है। महीने का मास पारायण तो 30 30 का मतलब जो है भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 30 दोहे हैं लेकिन ये चातुर्मास पारायण भी कह सकते हैं, ये भी वैशिष्ट ही है। जीव और संत और भगवंत का मिलन, ये त्रिकोणीय जो मिलन है, ये भी वैशिष्ट ही है। आइए संक्षिप्त अति संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं इसकी।
सोवन अन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्ति योग की बड़ी महिमा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये अनन्य भक्ति योग समझाया हनुमान जी ने, अथवा इसको माना जाए अनन्यास चिंतन तो माँ मे जना परिपास्ते, इस हिसाब से प्रक्रिया है, अथवा फल फल श्रुति है, ये भी एक वैशिष्ट ही है। श्री रामचरित मानस में अनन्य योग का फल जो दिया हो गया है, यह भी वैशिष्ट है। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे को, क्योंकि आज ही बोलेंगे 40 मिनट, कल से थोड़ी व्यस्तता है। भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल ही नहीं सकता हूं, किसी का मैं नहीं बोल सकता है। जहां मैं बोलता है वहां मानस लुप्त हो जाती है, ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जीव ब्रह्म और संत का जन्मिलन होता है। ब्रह्म भगवान है, जीव सुग्रीव है, क्योंकि जीव का एक मोटा स्वाभाविक गुण होता है, हर परिस्थिति में वो भयभीत रहता है और बदलता भी रहता है, चेंज होता है गिरगिट की तरीके से। जीव का एक स्वाभाविक गुण यह है कि वो स्वार्थमय है, भगवान से भी स्वार्थ की अपेक्षा करता है, मंदिर जाता है बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपयों की वस्तुओं के लिए 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाने में भी संकोच कर देता है। यदि चढ़ाता है तो स्वार्थ पहले मन में आ जाता है। आइए अनन्य योग का मतलब ये होता है, श्री राम का नाम गुण लीला धाम पवित्र चरित्र हृदय में अनवरत रूप स्थायी रूप से निवास करने लगे, तब चित्त का प्रक्षालन होता है। भक्तवत्सल भगवान की जय। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, दृढ़ निश्चय आत्म का बुद्धि हो जाना। काहे में कि मैं सेवक, देखिए सेवक ही स्वामी होता है, सेवक को स्वामी का समर्पण हो जाता है, सेवक का भाव आना चाहिए। तो जितना भी है सचर और अचर, ये सब भगवान ही है, भगवान का विव्रत रूप ही है। एको अहम बहुश्यामा, या सीधे इसको कह दे, अथवा आत्मा की सत्ता जो है उसकी व्यापकता का दर्शन करना ही अनन्य योग है, ये भी वैशिष्ट है। फिर से दोहराना चाहता हूं, आत्मा की अनंत सत्ता को सर्वव्यापक रूप में देखना, दर्शन करना, तभी तो सेवा हो पाएगी। भेद दृष्टि से कभी भी सेवा संभव नहीं है। मैं अकेला सेवक हूं, सचर और अचर, जितने भी सचर प्राणी हैं, अचर प्राणी हैं, वृक्षादि हैं, स्वेतज अंडज उद्विज पीतज जरायुज इत्यादि जितने भी जीव हैं, सब हमारे श्री ठाकुर जी हैं और मैं उनका सेवक हूं। ये केवल वाणी से नहीं, हृदय में आ जाए तो ये तो भैया जब संतत्व आता है, रघुवीर की कृपा होती है, और रघुवीर की तो बाद में कृपा होती है, पहले संत की कृपा हो तब ये बन सकता है। आइए सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत। और ऐसा जब हो जाता है तब जीव, जब ये जीव भाव नहीं रहता है, ये सर्वत्र ब्रह्म भाव ही हो जाता है, क्योंकि जीवत्व के अहंकार का सर्वथा यहाँ पर लोप हो जाया करता है। आइए थोड़ी सी प्रक्रिया बताई गई, इसलिए बड़ा वैशिष्ट है। वैशिष्ट किष्किंधा कांड है कि यहाँ पर अनन्य योग का अभी सूत्र है, फार्मूला फार्मूला थ्योरी बहुत बड़ी है, जो उपनिषदों शास्त्रों संतों इत्यादि के मतों से सिद्ध हो सकता है। ये दोहा
और ये चूंकि चातुर्मास से सत्संग है, 4 महीने इस पर सत्संग होना ही चाहिए। इस विषय पर किष्किंधा कांड के भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा थोड़ा छूते स्पर्श करते हैं। सो अनन्य जाके असीमा ते न टरहि हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। जीव को ब्रह्म से मिलाने वाला संत होता है हनुमान जी। संत हैं सुग्रीव नाम के जीव ने, जीव को हनुमान ने भगवंत से मिला दिया। आपस में चर्चा हुई, वास्तव में जीव जो है ब्रह्म का मित्र है अथवा ब्रह्म जीव का मित्र है। देखो ब्रह्म जो है वो जीव का मित्र हो सकता है, जीव भाव कभी भगवान का मित्र नहीं होता है। वो तो अस्थाई और ऐसी माया जो जिसमें स्थायित्व नहीं है उसका मित्र है, उससे मित्रता किए हुए है। खैर संत ने मित्रता करा दी, फिर भी निवृत्ति नहीं हो पाई सुग्रीव को। ये वैशिष्ट्य है। भगवान श्री राम ने देखिए, भगवान का जो ऐश्वर्य लीला होती है, ऐश्वर्य लीला को का 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 दर्शन करके अथवा सुन करके जीव को भाई विश्वास होता है। माधुर्य लीला पर कम लोगों को विश्वास होता है, ऐश्वर्य लीला पर बहुत विश्वास हो जाता है। सुग्रीव को भगवान श्री राम का सत्संग मिला और सत्संग बहुत सुनाया और भगवान ने कहा कि सुनि सुग्रीव मारि हूँ बाली है कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर रही प्राण। कथानक के क्रम का आदरणीय श्रोता जन उस पर ध्यान न दे, क्योंकि यहाँ पर किष्किंधा कांड वैशिष्ट की चर्चा है। तो आज वैशिष्ट की थोड़ी सी भूमिका है। दिल्ली से लौटने के बाद में यदि आदेश होगा तो वैशिष्ट का ही वर्णन किया जाएगा यहाँ पर क्या है। तो सुनि सुग्रीव मारि हूँ, पहले तो सुग्रीव ने अपनी पूरी कथा सुनाई। अच्छा हमें पूछते कथा सुनाई या व्यथा सुनाई, हमारी समझ में व्यथा सुनाई है। जीव जहां भी पहुंचता है रोता है, क्योंकि जीव जो है अतृप्त काम है और संत जो है परम संतृप्त काम है। भगवान भगवान पूर्ण तृप्त काम है। अब व्यथा ही सुनाई कि वो मेरा भाई और भाई ने मुझे मारा और शिला के अंदर गए और उसने फिर स्त्री का हरण कर लिया, इत्यादि 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 आदि कथा में व्यथा सुना दी। और इसी व्यथा को लेकर के जीव घूमता है, कल्याण की व्यथा को नहीं। यदि परम कल्याण की व्यथा को लेकर, अनन्य योग की व्यथा को लेकर के जीव भगवत शरण संत शरण में जाए तो तदर्थ ही उसका फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन सुग्रीव ने व्यथा सुनाई और अंदर संदेह भी है कि पता नहीं बाली को कब वध कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या है क्या नहीं है, तो का प्रमाण। तो द्वंद्व व्यस्तताड़ दिख रहा है, तो ये भी एक वैशिष्ट है, अजीब भाव है। बिनु प्रयास रघुवीर ढाए। अच्छा भगवान की ऐश्वर्य लीला को देख करके सुग्रीव को प्रीति हो गई, स्वाभाविक प्रीति नहीं बनी, ऐश्वर्य को देख करके प्रीति बनी कि हमारे श्याम सुंदर झोली भर देते हैं। लालच, कर्म सिद्धांत, कृपा तो है, करुणा है भगवान की। उसने तो ऐसी झोली भर दी है प्रारंभ से, एक मनुष्य शरीर दे दिया, ये क्या झोली कम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सुधारा, ऐसा सुंदर शरीर दे दिया तो ये क्या कम है। लेकिन सुग्रीव के हृदय में स्वार्थ है और जिसके स्वार्थ है वही जीव है। क्या कहता है भगवान की ऐश्वर्य लीला का दर्शन किया तो देखी अमित बल बाणी प्रीति, बाली बधव इन भई प्रतीति। अच्छा सुग्रीव यहाँ पर जो है वो तुरंत ही ज्ञान का कहिए कि आडंबर करने लगा। आइए कैसे, अब आप कहेंगे आडंबर क्यों, ये भी वैशिष्ट है।
देखिए कितनी ज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन ज्ञान जब टिक जाता है तो संसार विदा हो जाता है, ये प्रमाण है ज्ञान का। ये वशिष्ठ देखिए, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय हुआ लोला। अच्छा एक वादा कर दिया भगवान के सामने, क्या? यहीं पर भेद दृष्टि का पता लग जाएगा, अनन्य दृष्टि नहीं, भेद दृष्टि का पता लगेगा कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूं सेवकाई। क्या ये जीव की हालत नहीं है? यही जीव की हालत, सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग करके मैं सेवा करूंगा, भजन करूंगा, भजदात सेवायाम, मैं भजन करूंगा। अच्छा फिर करता क्या है? ये देखिए भगवान कह रहे हैं स्वयं, बाल के बध के बाद में सब, जब श्री ठाकुर जी चातुर्मास से सुंदर आश्रम में निवास करते हैं, चातुर्मास सत्संग करते हैं, तो कहते हैं सुग्रीव सुधी अरे मोरी बिसारी पाबा राज कोसपुर नारी। अब ठाकुर जी को सही माने या सुग्रीव को सही माने? सुग्रीव तो ये कह रहे थे कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूं सेवकाई। क्या ऐसा सुग्रीव ने किया? मुझे तो लगता नहीं किया, क्योंकि सुग्रीव का जीव भाव है। कल प्रारंभ में भूमिका में कहा गया था, कल मात्र भूमिका थी, वैशिष्ट नहीं था। आज भी वैशिष्ट का थोड़ा सा संकेत चल रहा है। तो कथा का क्रम न जान करके आदरणीय श्रोता जनों से, संतों भक्तों से निवेदन है कि वैशिष्ट को ही धागा माने, और गुड़िया जो है मनका जो है वो कथा के रूप में दिखाए जाएंगे, भक्त वत्सल भगवान की छे। और पता क्या कहता है, ये सब राम भगति बाधक कहाई संत तब पद अवरा। अच्छा बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन सुग्रीव की क्रिया में बात नहीं आ रही है। क्या ऐसी दशा हम लोगों की नहीं है? हमें तो ऐसे ही लग रहा है। इसका मतलब जो ज्ञान है वो कंठ तक पहुंचा, हृदयगत नहीं हुआ। हृदयगत, हृदयगत होना ही बोध की स्थिति हुआ करती है। अच्छा बोध की स्थिति का सबसे सरलतम साधन, क्रियात्मक साधन, जो इस बोध को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे संत पुरुषों का सानिध्य बस मिल जाए, काम बन जाएगा। यहाँ तो भगवंत के सानिध्य से भी स्वार्थी जीव बना हुआ है। आइए आगे देखते हैं और कुछ वैशिष्ट्य। अच्छा परमार्थ का भी बहुत बड़ा निरूपण किया, शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, मतलब द्वैत का वर्णन कर रहा है। और द्वैत का वर्णन करने के बाद में वो द्वंद्वातीतम इसका भी वर्णन कर रहा है, शत्रु मित्र इत्यादि सुख दुख जग माई। सुधी श्रोता जिन संकेतात्मक ही मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इस राम कथा में जुड़े हुए जितने भी संत हैं वे बड़े प्रबुद्ध हैं, बड़े सुंदर समय थोड़े में जानिए ही सयाने। हाँ हाँ इसलिए विशेष नहीं कह रहा हूं। तो शत्रु मित्र सुख दुख जग माई माने द्वंद्व भाव, द्वैत भाव। अब आगे अद्वैत, अज माया कृत परमारथ ना, ये जहां ऐसी भेद दृष्टि होती है वहां वो परमारथ नहीं है, परमार्थम नहीं है। आहा परमार्थ तो मात्र भगवत अनन्य प्रेम है, अथवा स्वयं श्री ठाकुर जी है, इत्यादि इत्यादि ये सब वर्णन किया। अच्छा इतनी वैराग्य की बात की, इतनी वैराग्य की बात की, और पता क्या कहने लगा, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। सुग्रीव नाम का जीव इस प्रकार से भगवान से निवेदन करने लगा।
अच्छा श्री ठाकुर जी और जो सच्चे सदगुरु दुबे होते हैं वो हड्डी का बुखार जानते हैं, बाहर बुखार चाहे हो न हो हड्डी का जान लेते हैं। और यहाँ पर भगवान जो है, अच्छा भगवान भी हंसे इस बात को सुन करके कि अंतःकरण में कुछ और वाणी से कुछ और बोल रहा है। यही दशा जी है, हम भी यही सही करते हैं, अंदर कुछ और ऊपर झुक गया भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम पूर्ण रूप, लेकिन हृदय जीवत्व का अहंकार श्री चरणों में नहीं गया, बस ये जीव स्वभाव है। भगवान भी हंस पड़े, सुनी विराग संजोत कपि वाणी, बोले भी हंसी राम धनु पानी। विराग से युक्त, अच्छा आदरणीय सज्जन ध्यान दे कि यही प्रक्रिया ही केवल नहीं है, अनंत अनंत प्रक्रिया मानस इत्यादि ग्रंथों का वाचन हुआ करता है। सुनि विराग संजोत कपि वाणी, बोले बिहसी राम धनु पा। अच्छा ऊपर से खंडन अंडन नहीं किया, अच्छा करना भी नहीं चाहिए, अगर ऐसा समझ लो तो टोकना नहीं किसी को, आपको यात्रा करने दो, समय पर सब कुछ हो जाता है। बड़ा विशेष है भगवान ने, और एक वैशिष्ट कह दिया, जो कछु कहू सत्य सब सोई। बात तो बिल्कुल ठीक है, सखा बचन मम मृखान होई। मेरा अजा सुग्रीव के मन की बात कह दी, कहा कि तुमने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन अपनी बात को दोहरा दिया, क्योंकि देखी अमित बल बढ़ी प्रीति। भगवान ने वही मन की बात कह दी कि सखा बचन मम मृखान हो। ऐसा जीव का स्वभाव होता है। अच्छा समर्पण यदि हो जाता, शरणागति हो जाती, अब पूरी शरणागति नहीं है, वो तो अपनी बात कर रहा है यहाँ पर, तो तुरंत ही काम बन जाता। अच्छा का एक काम करो, चलो हम अपना ही काम किए देते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो पात्र होता है तो पात्रता में वस्तु अपने आप ही पहुंच जाया करती है। कहा कि जाओ, अच्छा सुग्रीव ने जो है वो ललकारा, सभी जानते हैं, तो तारा ने चरण पकड़ लिए, समझाने लगी। अच्छा स्त्रियों की बात को थोड़ा सा मानना भी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अर्धांगिनी है ना, ये नीति की कथा है ना। किष्किंधा कांड में ये भी वशिष्ठ है कि यहाँ पर चार प्रकार की कथा कही गई है, तो चार प्रकार की कथा का चातुर्मास्य है, ये भी वशिष्ठ ही है। कहत अनुज सन कथा अनेका, बोले भगति बिरति नृप नीति विवेका, नीति की कथा, भक्ति की कथा, ज्ञान की कथा और वैराग्य की कथा, चार प्रकार की कथा कही गई। सल भगवान की जय हो। कहवाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हूँ सनात। अच्छा बाली ने बात तो बिल्कुल ठीक कही। तारा ने कहा कि हमने तो ये सुना है कि वो साधारण नहीं है, वो शास्त्र साक्षात भगवान के अवतार हैं, काल के भी काल हैं। तो बाली ने पढ़ा लिखा तो बाली बहुत कुछ था। अब आइए सुग्रीव जी और बाली की तुलना भी आगे थोड़ी सी की जाएगी, ये भी वैशिष्ट ही है। आइए एको एक और वैशिष्ट बात है, उसने कहा समदर्शी रघुनाथ, भगवान की समदृष्टि होती, वो सर्वव्यापक है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा अच्छे व्यक्ति को ही जल का इंतजाम किया हो, वायु का इंतजाम किया हो, श्वास दिया हो, जीवन दिया हो, इत्यादि इत्यादि, उसने तो सबको समान भाव से सब उपलब्धियां करा दी। अच्छा थोड़ा सा चूक गया, संसार की, आइए संसार की चर्चा करते हैं। संसार में समदृष्टि तो हो सकती है, करना ही चाहिए, यहां तक तो गति हो सकती है, लेकिन समवर्तन नहीं हो सकता, समवर्ती नहीं हो सकता है कोई।
एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म की इतिश्री हो जाएगी। अब संत आएगा तो उसे उच्च आसन देना पड़ेगा और साधारण लोग नीचे बैठेंगे, तो संवर्तन नहीं हो सकता है। थोड़ा सा संकेत है, समदर्शिता जो संत में ब्रह्म है वही सब में है, चींटी आती में। ऐसा चिंतन तो बदल सकता है, बोध में आए तब तो काम और बुद्धि में आए तो गड़बड़। बुद्धि का गड़बड़ और बोध का तो जो कदाचि मुही मारी। अब देखो यहाँ पूरा भरोसा नहीं है, वो कहता कदाचि तमे मारने, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, जबकि काल स्वरूप श्री भगवान है, जीवन स्वरूप श्री ठाकुर जी हैं। अगर ऐसा जानता भी, ये भी जानता कि वो काल स्वरूप भी है, तो शरणागति मिल जाती। आइए, तो इसी बात को तुलसीदास जी ने महा अभिमान कह दिया, भक्तवत्सल भगवान की जय। परमात्मा की दी हुई, उपलब्ध की हुई परमात्मा स्वरूप वस्तु ज्ञान इत्यादि, पराक्रम वैभव ऐश्वर्य इत्यादि, ये सब श्री ठाकुर जी का ये हृदय में बैठ जाए तो समझ लो कि सब सब में रहते हुए, फिर जगत में रहते हुए फिर आनंद ही आनंद है। फिर जगत जो है वो किसी को बाधित नहीं कर सकता है, फिर तो भगवान से मिली हुई। अब युद्ध हुआ, आइए, बहु चल बल सुग्रीव करे हरा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। देखो कथा के दो रूप होते हैं, एक समास और दूसरा व्यास। व्यास रूप हमने निवेदन किया था कि हम व्यास रूप में वर्णन करेंगे, और वैशिष्ट रूप में तो समास ही हो सकता है। अल्प समय में भक्तिवत्सल भगवान की जय, इसलिए क्षमा करें सब लोग। बहुत छलबल किया, सुग्रीव हार गया, तो भगवान ने बाली को मार दिया। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर अब बाली की आप गति देख लेना, उनके शब्दों को थोड़ा देखिएगा। बाली जो है वो बड़े वंदनीय है, भागवत महापुराण में गोपियों ने इनकी चर्चा की है, बहुत सुंदर, एक ही श्लोक में की लेकिन बड़ी सुंदर की है, इनका उदाहरण दिया है भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भागवत ग्रंथ में, लेकिन आप तो मानस ही देखेंगे। परा विकल मही सर के लागे, पुनी उठी बैठी देखी प्रभु आगे, श्याम घात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्री ठाकुर जी के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो समस्त ज्ञान स्वरूप है, उनका स्पर्श मात्रेण जो है वो जीव को परम ज्ञान परम बोध हो जाता है। जैसे राम बाण लगा, बाली का जो अहंकार जो था, अतिशय अभिमान जो था, वो गलित हो गया और सर्वत्र ब्रह्म भाव की दृष्टि हो गई। उसने देखा कि श्री ठाकुर जी जो है ऊपर, अब उसने श्री चरण का नहीं शिखर से दर्शन किया, जटाओं से दर्शन किया, श्याम गात रूप माधुरी का पान कर रहा है अपने नेत्रों से, जन्म जन्मांतर का उसका जीवन सफल हो गया। सिरे जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चितये चरण चित दीना। अच्छा, अब देखो चित कहाँ चला गया, दर्शन तो ऊपर से किया आंख से, देखिए ये ज्ञानेंद्री का दर्शन है भगवान का, ज्ञानेंद्री का दर्शन कभी टिकता नहीं है, लेकिन चरण चित दीना, ज्ञानेंद्रियों से संसार में प्रवेश होता है और ज्ञानेंद्रियों से ही भक्ति और भगवान में प्रवेश होता है। आंख से दर्शन हुआ, पाप पूर्ण भक्ति का सबका प्रवेश जो है वो दर्शन लाभ से ही प्राप्त होता है। अंदर गया मन बुद्धि और चित्त नामक विभाग से, अब चित्त नामक विभाग से जब संपर्क हुआ, अच्छा इसमें पूरी विज्ञान है यहाँ पर, ज्ञानेंद्रियां, उनका संबंध मन,
मन की किस प्रकार से मन तक भक्ति आती है तो कहाँ तक रहती है, थोड़ी देर तक रहती है, कथा सुनते हैं तब तक रहती है और बाद बाकी जो है आगे गड़बड़ हो जाती है। डोंगरे जी कह रहे थे कि एक लोग कथा सुन रहे थे, एक व्यास जी सुना रहे थे, राम कथा हो रही थी, जो 9 दिन बाद कथा समाप्त हुई तो एक लोग बड़े सर हिलाते थे, बड़े प्रेम से आंसू गिरते थे, तो सत कथा समाप्त हुई, कथा पूर्ण हुई तो व्यास जी से पूछा कि कथा तो 9 दिन पूरी हो गई लेकिन हमें ये नहीं समझ पाया, समझ में आया कि राक्षस राम थे या राक्षस रावण था। व्यास जी ने कहा न राम थे न रावण थे, राक्षस तो मैं हूं जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाया। मतलब है कि कथा अगर बाहर से सुनी जाती है इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जब चित्त में टिकता है तब वो निवृत्ति कर देता है, क्योंकि चित्त में जो है वो जन्म जन्मांतर के जितनी भी वृत्तियां होती हैं वो टिक जाती हैं। इसीलिए हमने इसको चिप बताया है, मोबाइल का चिप में सब टिक जाती है, चिप से चिप का उदाहरण हम दिया करते हैं अक्सर, तो सबको या तो डिलीट करना या उसे संकीर्तन में भर देना, ये बात है। कथा जो है वो संकीर्तनमय कर देती है, उसका रूप बदल देती है। अग्नि जो होती है भगवत वियोग अग्नि अगर जलने लगे हृदय में तो आग में आप चंदन डाल देते हैं तो वैसा ही कर देगी, और विष्ठा मूत्र भी डाल दें तो वैसा ही कर देती है। ऐसे जन्म जन्मांतर के चित्त में बैठी हुई वृत्तियां जो है श्री ठाकुर जी की नाम गुण रूप लीला धाम से संपर्क से जो है समस्त राख ही हो जाती, जल जाती, पुनी पुनी चितई चरण चित दीना। अच्छा, चित्त उनका श्री चरणों में टिक गया क्योंकि श्री ठाकुर जी के वाम चरण में श्री जानकी जी के समस्त चरण चिन्ह है, श्री ठाकुर जी के दक्षिण चरण में श्री ठाकुर जी के समस्त चरण चिन्ह है, तो बस चरणों का बहुत बड़ा प्रभाव आता है। चरण कमल बंदौ हरिराई, कितना सुंदर लिखा है संतों ने, चरण कमल चित्त में आ गए तो हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। अब देखो बाहर की प्रीति श्री ठाकुर जी नहीं देखते, अंतःकरण की प्रीति देखते हैं, श्री बालि के हृदय में अंतःकरण की प्रीति है, सुग्रीव के हृदय में स्वार्थ है और बाहर प्रीति दिखाई पड़ रही, इतना इतना बड़ा अंतर, ये बड़ा वैशिष्ट्य है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओर। और वैशिष्ट जरा देखिए, धर्म हे तू अब तरे हो गुसाई, मारे हो मोही ब्याद की राई। अजय इसके माध्यम से बहुत कुछ कह गया। पहली बात तो राम जी के कुल के बारे में कह गया, ये ठाकुर जी मानो ऐसा कह रहा है कि आपका जो अवतार हुआ है वो रघुवंश में हुआ है, सूर्य वंश में हुआ है। खट्टांगात दीर्घवाहुश्च रघु तस्मात पृथुस्रवाह, खट्टांग से लेकर के आज तक जितने भी राजा हुए आपके पिता तक, वो पूर्ण रूप से क्षत्रिय वंश में अवतार हुआ। क्षत्रियों ने कभी पीठ पीछे किसी पर वार नहीं किया, मुझे तो संदेह है आप आके आप दशरथ के पुत्र ही नहीं है, ऐसा भाव आया। आहा, आपने लोक धर्म का भी उल्लंघन कर डाला लेकिन हृदय में प्रीति है, इस तरीके का वर्णन गोपियां बहुत करती हैं, लेकिन इसमें बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, इतना आनंद है कि जीव भाव ही लगभग समाप्त हो जाता है। हृदय प्री धर्म हेत अवतर हो गुसाई, क्या छत्र छात्र धर्म है कि बहिलिये की मां छिप करके बार बाण मार दिया हो। एक बात और वैशिष्ट बड़ी सुंदर आती है, भगवान से बढ़कर के कोई बहिलिया नहीं है, कोई ब्याद नहीं है, ये जीवों का शिकार जो है वो काल रूप में बन करके छिप करके ही किया करता है, ज्ञान भी छिप करके देता है, जीवत्व को जब मारता है, जीवत्व के लिए भी ये व्याध है, अज्ञान के लिए भी ये भगवान, ये कान्हा, ये राम व्याध है, बार छिप करके करता है, सामने नहीं आता है। ऐसा भक्तों को, जो भक्त शरणागत हो जाता है, बाल शरणागत है। 3 मिनट का समय शेष है, बड़ी सुंदर कथा आगे आ रही थी। अगर राम जी ने बड़ा ही तर्क भी दिए कि अनुज बदी बगुनी सुतनारी सुनसठ कन्या समय चारी इत्यादि 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 सब कहा, लेकिन बाली पर कोई असर नहीं, वो यथार्थ को जान गया, शरणागत में यथार्थ का बोध हो जाता है। सुनो राम स्वामी सन चलन चारी मोरी
प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। देखिए हमारा चातुरी तो नहीं चलता, चातुरी तो बौद्धिक हुआ करता है, लेकिन हृदय से शरणागत हो गया और जो भी भगवान या संत के शरणागति हो जाता है, शरणागति में कुछ करना नहीं है, जीवत्व का अहंकार शरणागत हो जाए, काम बन जाएगा सब कुछ माफ तुरंत। एक बात मैं कहना चाहता हूं, पापी का उद्धार जल्दी होता है, धर्मात्मा का जल्दी नहीं होता है, कथावाचक का जल्दी नहीं होता है, क्योंकि पापी को जब ऐसा लगता है मैंने बहुत पाप किए, उसको कोई रास्ता नहीं सोचता है, तो वो कहता है ये अब क्या करें, अब हमारा तो कहीं से कल्याण नहीं, हे प्रभु अब तो मैं शरण, हृदय से शरणागत, अब तदर्थ ही उसकी मुक्ति हो जाती है। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु जहूं मैं पापी अंत काल गत तोरी, सियावर राम चंद्र की जय। अचल करो तन राखो प्राणा। अच्छा भगवान ने कहा कि तुम्हारा तन अचल कर दे, मतलब ऐसा ही बना रहेगा जैसा है, और इसमें प्राण डाल दे। बाल ने नकार दिया। अच्छा बाली ने क्या नकार दिया कि कुछ मांग लिया, देखो जीवन को नहीं नकारा बाली ने, इस शरीर को नकार दिया। अच्छा जीव का जो है वो अंत में सबसे बड़ी आसक्ति पता कहाँ होती है, उसके पुत्र में हुआ करती है, संसार को पुत्र की बाह नहीं पकड़ाई, पिता वही चतुर है जिसको परमात्मा को पुत्र की बाह पकड़ा ले देता है। पुत्र को भगवान की बाह पकड़ाना, इसकी प्रक्रिया ये भी बड़ी वैशिष्ट है, आगे कथा में सुनाई जाएगी। सोनयन गोचर जास गुण राम, हे तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहिवा सुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए। तारा को ज्ञान दिया, वो भी बड़ी अद्भुत, तारा तारा बहुत रोई, बड़ा ही वशिष्ठ तारा से पूछा ये बताइए क्या तुम बाली के लिए रो रही हो या शरीर के लिए रो रही हो, इसके यदि शरीर के लिए रो रही हो तो सामने पड़ा है, और बाली के लिए लिए रो रही तो बाली राम निज धाम, वो हमारे धाम भक्त बत्सल भगवान की जय। आदरणीय पटेल।